सो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नरूटो सीजन 5, 6, 7 और 8 के बारे में। उसके ऊपर हमें कुछ अपडेट्स मिली हैं तो वो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे और साथ ही साथ हम ड्रैगन बॉल ज़ी काई के बारे में भी बात करने वाले हैं। सो गाइस, हम 1K सब्सक्राइबर्स के बहुत ज्यादा करीब है, इसीलिए वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी दबा दें। अब बिना किसी देरी के आ जाइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं एनिमे लवर चिट चैट, आ जाइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ऑब्वियसली नारुतो फैंस बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं क्योंकि वो बहुत वेट कर रहे हैं आगे के सीजन्स के लिए और उन्हें अभी भी कोई अपडेट नहीं मिल पा रही आगे क्या होने वाला है या फिर एपिसोड्स कब आएंगे। पर कोई बात नहीं गाइज, मुझे एक अपडेट मिल चुकी है और वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ क्योंकि अब ऑलमोस्ट अप्रैल का मंथ शुरू होने वाला है और अगर अब भी हमें कोई अपडेट सुनने को ना मिले तो फिर ये तो फैंस के साथ ज्यादती है। पर फिक्र मत करो गाइज, क्योंकि मैं नारुतो के बारे में बहुत सीरियस हूँ और मैं जानती हूँ कि आप लोग भी हो। तो चलो अपडेट के बारे में बात करते हैं। तो देखो गाइस, बात तो ये है कि नए सीजन तो आ नहीं रहे और बाद में जो पहले वो हमें पुराने सीजन दिखा रहे थे 10 बजे के टाइम पे, अब वो भी उन्होंने दिखाने बंद कर दिए हैं। अब इसको लेकर तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, पर मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि इसकी डबिंग बहुत तेजी से हो रही है। हाँ, पर जो मैं अब आप लोगों को चीज बताने वाली हूँ ये इम्पोर्टेंट है। तो देखो गाइस, अब ये जल्दबाजी नहीं कर रहा सोनी ये इसकी डबिंग करने में, क्योंकि जहां तक सवाल डिज्नी और क्रंची रोल का रहता है वो ऐसे करते हैं कि जैसे चलो एक एपिसोड हुआ डब वो दिखा दिया, पर ये ऐसा नहीं कर रहे। तो अब जो नारुतो के सीजन्स के सारे एपिसोड डब हो रहे हैं वो बल्क में डब हो रहे हैं और ये जो नारुतो का रन होगा गाइस, ये लास्ट रन होगा। तो अब नारुतो सीजन्स 5, 6, 7 और 8 वो तो ये दिखाने वाले हैं और क्या पता 9 भी, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि ये इसका 9th सीजन भी निकाल रहे हैं। तो देखो गाइस, 4 सीजन्स है यार, जिसको हमें देखने में ऑलमोस्ट 3 महीने लगने वाले हैं और वो इसको डब कर रहे हैं वो भी इतनी फास्ट। तो ऑब्वियसली काफी ज्यादा नारुतो फैंस के ये सवाल के नारुतो कब आ रहा है, कब आ रहा है। तो गाइस देखो, अभी तो कोई भी वॉइस आर्टिस्ट जो है वो इस बारे में कोई अपडेट नहीं दे रहा, पर हमें जितना पता लगा है वो हमने इस वीडियो में बता दिया। क्योंकि देखो यार, सोनी ये तो एक बहुत बड़ा प्लान करके बैठा हुआ है, क्योंकि अब उन्हें समहाउ नारुतो के ये सारे सीजन एक ही टाइम में खत्म करने हैं ताकि ये फैंस को वेट करवाने वाला चक्कर तो प्रॉपरली खत्म ही हो जाए। तो इनको ये लाइक सारे सीजन खत्म करने हैं एक ही टाइम में, तो इसीलिए वो सारे सीजन की डबिंग लाइक अब जितने बच गए हैं वहां से लेके एंड तक वो सारी डबिंग एक टाइम में कंप्लीट कर रहे हैं। तो मुझे सुनने में आ रहा है कि जो इसका 7th सीजन है उसकी डबिंग सारी कंप्लीट हो चुकी है और अब वो 8th सीजन पे काम कर रहे हैं। और हाँ गाइस, मैं आप लोगों को एक सीक्रेट बताना चाहती हूँ, इसके बाद सोनी ये का एक बहुत बड़ा प्लान है जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो गाइस, अगर मैं इसके सीजन की रिलीज डेट की बात करूँ तो मुझे जहां तक लगता है ये अप्रैल के एंड में या मई में आ सकता है। मुझे नहीं लगता कि वो इससे ज्यादा वेट करवाएंगे फैंस को, क्योंकि अब तो ऑब्वियसली उनकी सारी डबिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गई है, क्योंकि 7th सीजन तक तो उन्होंने सारा डन कर लिया और बस एक सीजन रह गया है, तो उसके डब होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो गाइस, अब बात करते हैं ड्रैगन बॉल ज़ी काई के बारे में, जो कि कार्टून नेटवर्क पे आ रहा है। तो उसका नया प्रोमो रिलीज हो गया है एंड हमें कुछ कैरेक्टर्स की आवाज भी सुनने को मिली है बीच में, और अब उसकी रिलीज डेट भी कंफर्म कर दी है उन्होंने, जो कि है 16th अप्रैल। देखो यार, मेरे ओपिनियन में मुझे लगता है कि ड्रैगन बॉल की कोई भी सीरीज हो तो वो कार्टून नेटवर्क बहुत अच्छा डब करता है, क्योंकि ऑब्वियसली उनके वॉइस आर्टिस्ट तो बहुत अमेजिंग है, स्पेशली गोकू की वॉइस। क्योंकि देखो यार, गोकू की वॉइस के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज करना और ना ही वेजिटा की, क्योंकि मुझे लगता है कि गोकू और वेजिटा को बहुत ही कम लोगों की वॉइस सूट करती है। और देखो यार, इस बात पे तो आप लोग भी एग्री करोगे कि प्रसाद सर और अंकुर सर की आवाज वेजिटा और गोकू के लिए परफेक्ट है। और वैसे भी कार्टून नेटवर्क की डबिंग को आज तक किसी ने भी जज नहीं किया, और मेरे ओपिनियन में भी कार्टून नेटवर्क बिल्कुल परफेक्ट वॉइस एक्टर्स चूज करता है अपने कैरेक्टर्स के लिए। तो इसलिए डबिंग को लेकर तो ड्रैगन बॉल फैंस बिल्कुल भी परेशान नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि उनकी डबिंग बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। और वैसे भी गाइस, सबसे अमेजिंग बात तो ये है कि इस बार हमें 5 रीजनल लैंग्वेजेस में ये देखने को मिलेगा, जिसके लिए फैंस और भी ज्यादा एक्साइटेड हैं। और गाइस देखो, ड्रैगन बॉल से काई तो
16 अप्रैल को रिलीज हो ही रहा है और आप सब गोकू फैंस तो ऑब्वियसली जानते हो कि 16 अप्रैल को एक और भी चीज है और वो है हमारे गोकू की बर्थडे। और ये चीज तो बाकी सभी फैंस को और भी ज्यादा एक्साइटेड कर देती है। तो गाइज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप लोग कौन से एनिमे के लिए ज्यादा एक्साइटेड हो, ड्रैगन बॉल जी का है या फिर नारुतो। तो आज की वीडियो हम यहाँ पर खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई तो इसको लाइक करना और अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी दबा देना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय चैटर्स।